जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पांचवा मतलब हो गया है पार्ट, और हम बात चला रहे हैं फेसबुक के हवाले से। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जिन जिन की वीडियोस ऑन हैं वो वीडियोस ऑफ कर दें ताकि हमारी क्लास बाकायदा प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम जो है, अब मुझे ये बता दें जी, जिसे भी सॉन्ग गुनगुनाने हैं भाई वो अपने माइक म्यूट कर लें। मेरी आवाज सबको आ रही है? जल्दी से बता दें कि आवाज आ रही है। जी ठीक है, आवाज आ रही है। अब ना आप एक काम कर लें कि ये मैं पेज के हवाले से जो नया पेज बनाते हैं उस हवाले से कुछ पहले बातें बता दूं या सवाल जवाब ले लें, आप जल्दी से ये मुझे बताएं। फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उस पे, जी ठीक है, सवाल जवाब ले लेते हैं हम पहले। पहले ये देख लेना चाहिए आपको कि आप जो भी लोग हैं वो लोग उसने जो टैग किए हुए है, किसी ने उसको टैग कर रखा है अपने पास या क्या। ये देखिए मेरे पास 48 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, ये कोई भी मेल है, लेकिन क्या है जी, पोस्टों में जो है ना, ये पता नहीं किस किस की पोस्टें शेयर की हुई हैं, शाह नियाज, फलां नियाज और इस तरह के। तो इस तरह को फिर बरकत के लिए रहने दें, उन्हें कहें जी कोई बात नहीं है, आप मतलब सुकून करें। जिन्होंने टैग शैग बंद किए हुए हैं और सिर्फ आपको मुनासिब पोस्टें की हुई हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है कि आप उन्हें ले सकते हैं। जी अब आप सवाल करना शुरू कर दें, पेज के हवाले से जो जो बात सामने आती जाएगी या जो भी होगी तो मैं इंशाल्लाह लजीज आपको बता दूंगा। ये 11 कुछ 11 पेज है मेरे, 11,000 है किसी का, कुछ कुछ फॉलोअर्स हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके इन्हें आप तसल्ली से लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी किस बात की वजाहत कर दूं प्यारे, अगर मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद ना हो तो आईडी कैसे खोल के दी जा सकती है? आईडी के लिए एक तरीका ये होता है, वो ये कि आप अपनी आईडी को ऊपर सर्च में ना सिर्फ नाम लिखें खाली, अगर आपके पास नाम आ जाए तो। ये एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ नाम, मिसाल के तौर पे आप आईडी भूल गए हैं तो आप ऊपर लिखें सबसे ऊपर मीर उसामा। ये मैंने ना दूसरी आईडी से ओपन किया हुआ है, एक सेकेंड मैं दूसरी पे आ जाता हूँ। ये लें, एक ही मोबाइल में आप ऊपर लिखें, आप भूल गए हैं अपना नाम और सब कुछ, तो आप ना सबसे ऊपर लिखें मीर उसामा। आपने ये लिखा और ये लिखने के बाद जब ये आपके सामने आएगा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? आ रही है भाई स्क्रीन, मुझे लैपटॉप में नजर आ रही है। टैग वगैरह बंद हो इस बात को किस तरह चेक करेंगे? तो ये तो कल भी बताया था। अच्छा जी, मोर पे क्लिक करके कॉपी लिंक टू प्रोफाइल करना है आपने, कॉपी लिंक टू प्रोफाइल करके इसको यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पे जब आप सेंड करेंगे ना तो ये यूजर नेम आ रहा है, अगर आपको पासवर्ड नेम नहीं याद, या अच्छा आप बार बार पूछा जा रहा है कि एहसान 123 ये किस तरीके से रखते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, सेटिंग में जाए, वहां पे जाने के बाद यूजर नेम पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम पे क्लिक करते नाम जहां पे आपका लिखा हो रहा होगा, नंबर वहां पे यूजर नेम लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूं अपनी आईडी में कि जी आप किस तरीके से यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और टैग वगैरह किस तरीके से चेक करते हैं उसके लिए तो कल भी क्लास में बता दिया था कि आप सेटिंग में आए और सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी में आए। ये देखें सेटिंग्स, ये है टाइमलाइन एंड टैगिंग, इस पे क्लिक करके जो आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, आप कोशिश करें कि इनको एज इट इज अपने पास आप ये सेटिंग कर लें। आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ये मेरी पर्सनल आईडी की सारी हैं। इस तरीके की जो भी आईडी हो तो आप उसको बिला झिझक, कि पोस्ट कोई भी कर सकता है लेकिन वो पोस्ट सिर्फ मैं ही देखूंगा। और अगर आपने ये उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है कि अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, अगर और वो आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दे, कोई भी पोस्ट करे आके, लेकिन उसको कोई थर्ड पर्सन को शो नहीं होगी। दूसरा ये है, अगर कोई चाहे तो मेरी वो स्टोरीज भी शेयर कर सकता है। टीचर जो आपने नाम लिखा, आपका नाम क्या है पहले मुझे ये बताएं कि हमारी पोस्ट पब्लिक को शो है। जिस जो जो अपने नाम के साथ सवाल करेगा तो उसको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा ये जो दो ऑप्शंस हैं, आलमगीर भाई आपने एक सवाल पूछा है, ये दो जो ऑप्शन सबसे लास्ट में हैं, ये
अगर ये ऑन है तो दैट्स मीन आपकी आईडी जो है हर तरह से टैग वालों से, टैग माफिया से महफूज है, ठीक है, आपकी आईडी इनसे महफूज है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बगैर उसके चला सकते हैं, कोई आपके लिए मसला नहीं होगा। दूसरा ये टैग का आपका हो गया है। और एक सवाल अरीज ने पूछा था, वो दोबारा से बताइएगा कि क्या सवाल था। सर अगर कोई हमारी पोस्ट पे नेगेटिव, बिल्कुल जबरदस्त, ये देखें जी कि आप, मैं आपको यहाँ पे अपने बाकी पेज नहीं दिखाता, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ अपनी एकेडमी के पेज पे। ये है मेरा एकेडमी का पेज, और अगर आप चाहें तो ये आपका जाती पेज है, आप अपने, ये आपकी जहरी बात है, टाइमलाइन आपकी अपनी है, हर चीज आपकी अपनी है, तो कोई कौन होता है, कोई भी थर्ड पर्सन मुंह उठा के आए और वो कोई भी कमेंट करता जाए और हम उसको छोड़ दें, उसका आसान हल मैं आपको बताता हूँ, भाई आलमगीर को अपनी पोस्ट पे ब्लॉक करके। नहीं ये मजाक किया है भाई आलमगीर साहब, आप हमारे दिलों में बसते हैं, तो खैर मतलब। अच्छा ये देखें जी, अब ये इतने प्यारे ये इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हुए हैं, इनमें से तो मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि भाई कोई ब्लॉक कर देता है ना, तो मैं अभी किसी को बरकत के लिए ब्लॉक कर देते हैं पकड़ के, आज एक मिनट, नहीं भी करते हैं तो मुश्ताक अहमद मदनी का आ गया टाइम। अच्छा ये मुश्ताक आलमगीर पे आप क्लिक करके रखें, क्लिक करने के बाद ना सबसे लास्ट पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस ऑप्शन पे बिला झिझक बगैर पूछे बगैर किसी चीज के इसको पकड़ें, डिलीट कमेंट एंड ब्लॉक मुश्ताक, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ना उसको आइंदा के लिए पेज शो होगा आपका, ना वो आइंदा कमेंट कर सकेगा, ठीक है। और यही सेम आप अगर चाहें तो जो है अपनी टाइमलाइन पे भी ये कर सकते हैं कि आप टाइमलाइन पे जाएं, और टाइमलाइन पे जाने के बाद अगर कोई भाई साहब हैं जिनको ज्यादा मसला हो रहा है, पहले नंबर पे तो लिख दें, उन्हें कहें कि भैया बरकत के लिए आप अनफ्रेंड कर दें, ये हाँ बिल्कुल, ये किस चीज का कोर्स था बला बला, आप इस पे बड़े अच्छे अच्छे वो हैं, आप इस पे आए और डिलीट पे क्लिक कर दें खाली, तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बंदा भी ब्लॉक हो जाए तो उसका आसान हल ये है कि नूरुल्ला फरानी पे आए, फरानी पे क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक का ऑप्शन है, अब यहां से इसको क्या कमेंट वाला कहां से किया है भाई, आप ब्लॉक पे क्लिक करें, ब्लॉक के बाद ये एक दो ऑप्शन आपसे पूछेगा, इसको पकड़ के ब्लॉक कर दें। ऊपर एक सवाल पूछा गया है कि आप 500 फ्रेंड्स हो तो मसीह रिक्वेस्ट नहीं जा सकती, तो कैसे खुद बखुद, देखें जी 5000 फ्रेंड्स कभी भी पूरे ना करें तो आपके लिए फायदा मंद है, इसलिए कि चुनिंदा लोग ऐड करें ना, हर हर एरा गैरा नत्थु खैरा ना ऐड करते जाएं, वो इसलिए कि काम के लोगों के लिए जगह रखें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मुर्शिदी का, मुर्शिदी की प्रोफाइल जी, यह है सैयद अदनान काका खेल साहब दामाद बरकातहू, आप इनके फॉलोअर्स चेक करें 85,500 कुछ हैं। अच्छा तो ये इनके, और दोस्त कितने हैं 2000, भैया 85,000 प्लस फॉलोअर्स हैं और कितने फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए आप भाग गए हैं कि 5000 पूरे हो जाएं, 5000 पूरे होते ही वो तो हो जाएगा कि फॉलो आपके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, लेकिन 5000 पूरे ना कराएं, 2000 दोस्त रखें काम के रख लें, ताकि कुछ फायदा हो, जिनसे कुछ सीखने का मिल जाए आपको, ठीक है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, हु कैन फॉलो मी प्राइवेसी में जाकर सब फॉलोअर्स बन जाए एवरीवन में जाकर, बिल्कुल आप वहां पे जाके आप उसे कर सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त किया है भाई अब्दुल बासित साहब ने, बता दिया है। म्यूचुअल फ्रेंड का ये मतलब होता है कि ये और वो आपके, मतलब ये देखें मेरे साथ इस वक्त जो है 460 म्यूचुअल फ्रेंड है, जो मेरे भी दोस्त हैं उनके भी दोस्त हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये हैं हमारे उस्ताद, और उस्तादों के उस्ताद आप देख लें कि मैंने भी सी फर्स्ट पे रखा हुआ है सर को, यानी कि सब मेरे मोस्ट फेवरेट्स में से कुछ एक हैं सर, तो आप भी चाहें तो आप इनकी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ सिकंदर हयात बाबा लिखें और जाके सर की आईडी जो है ना आप बताएं और यहाँ पे इनसे सीखें, ये इनका एक फ्री स्कूल है कराची में, किताबें तक ये खुद देते हैं और बहुत कुछ खुद देते हैं, मैंने अब तक जितना भी सीखा है वो सर से सीखा है, तो ये इनके, इन्होंने अपना ये बड़ी जबरदस्त सख्त प्राइवेसी भी लगाई हुई है कि इनके फ्रेंड्स ऑफ हैं, ये 384 मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, यानी जो इनके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। पेज बनाने का तरीका बड़ा आसान है,
वो मैं अभी बता देता हूं। देखें, आपने ये ऊपर वाले तीन डॉट्स पे क्लिक किया और यहां पे आपको यहां एक ऑप्शन मिल जाएगा पेज का, योर पेज पे क्लिक कर लें। ये देखें, योर पेज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये सबसे ऊपर ये क्रिएट नजर आ रहा है आपको, क्रिएट नजर आ रहा है। इस क्रिएट पे क्लिक करके आप पेज बना सकते हैं। अगली कुछ बातें एहतियात जरूरी होती हैं, वो ये कि आप अपनी मर्जी से इनको जो है ना कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, पब्लिक फिगर रखना चाहते हैं, किस लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको खुद से चूज करके रखनी पड़ती है। सर, अगर हम अपनी पोस्ट को कैसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो प्यारे ये तो कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है, ये आपको बिल्कुल अभी बता देते हैं। बल्कि अभी असल में मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी सी पोस्ट हो तो कहीं शेयर करूं, वरना मैं हर नॉर्मल पोस्ट को कहीं भी शेयर नहीं करता, ठीक है। मिसाल के तो मैं चले आपको जस्ट बताना ही है, तो मेरे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं। ये हम तिलावत सेंड कर लेते हैं, ये शेयर पे क्लिक करें। क्यों, आपने अगर समझ नहीं आ रही है कोई बात तो बिल्कुल ये शेयर टू ग्रुप पे क्लिक कर दें, और शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करते ही आपके पास जितने ग्रुप होंगे आप उनमें इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से आप इसको पोस्ट कर देते हैं। जिस तरीके से मैं शो नहीं हो रहा तो आप, वो भी होगी इंशाल्लाह। मेरे कौन सा आपने सवाल किया है, दोबारा से पूछ लें, इसमें कौन सी बात है। सर, ऑनलाइन शो होते हुए तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाके स्टेटस को हमेशा ऑफ करना होगा ना। ये देखिए मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे आए, ओपन इन मैसेंजर, स्टेटस यहाँ पे सामने आपके पता लग जाएगा, फौरन 1 सेकंड से पहले ये आपका स्टेटस ऑफ हो जाएगा। और कल मैंने बताया था मैसेंजर का अलग होता है और इसका अलग होता है, फेसबुक का ऑफ अलग होता है, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी होंगी, मैं इंशाल्लाह अब दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेरे क्वेश्चन का आंसर ग्रुप बनाने का बता दें, तो ग्रुप का भी बता दिया, ग्रुप्स पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ आ गया क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपने ग्रुप का नाम दें, आप चाहते हैं प्राइवेट रखना है प्राइवेट रखें, पब्लिक रखना है पब्लिक रखें, हाइड कर देंगे तो ये किसी को भी नजर नहीं आएगा, प्राइवेट ग्रुप रखें, और इसके बाद आप इस अपना नाम दे के ग्रुप का और आप चलने देंगे। यहाँ पे बात समझ आ गई है, ग्रुप बनाने का भी बता दिया है, या ग्रुप बनाने की नहीं समझ आई। नहीं समझ आई क्या, जल्दी से बता दें समझ आ गई है या नहीं आई। बहुत जबरदस्त सवाल है, एक सवाल पूछा गया है सायका अली की तरफ से कि भाई सर ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ही रहता है या इसको ऑफ भी किया जा सकता है। गौर से सुन लें, वो ये ऑफ कर सकते हैं आप, इसको ऑफ करने का एक दो नंबर तरीका है, वो ये कि आप ऑफ करने के लिए आपको अपनी जो उम्र है, आपको अपनी एज, वो आपको 13 साल से कम लिखनी होगी। अगर आप 13 साल से कम अपनी एज लिखते हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग आना तो क्या खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। जी मैं बता देता हूँ उस्ताद जी, फ्रेंड लिस्ट को कम करने के लिए बहुत से अफराद, हाँ बहुत से अफराद को बयक वक्त कैसे अनफ्रेंड कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में मुमकिन हो सकता है। एक FB टूल किट होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक ही दम में आप, उससे ये भी याद रखिएगा कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फायदा, उसका नुकसान ये होगा काफी बार आईडी खुद ब खुद आपकी वो बंद भी हो जाती है परमानेंट, लेकिन 500 या 1000 तकरीबन जो है ना वो होते हैं, एक बार में 500 या 100 या 1000 उसके ऊपर लिमिट लिखी हुई आ रही होती है, सिर्फ उतने लोग ही अनफ्रेंड होते हैं। पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपकी सिम पे या आपकी जीमेल पे मैसेज आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। प्रोफेशनल पेज सेटिंग भी बता दें कि कैसे करते हैं,
पेज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखें जी, ये डिपेंड करता है आपकी जो है फैन फॉलोइंग पे, कि लोग आपको कितना चाहते हैं। एक तो ये है, आप पोस्ट शेयर करें और लोग उसको धड़ाधड़ शेयर करते जाएं, तो उसका एक हल मैं आपको थोड़ा डेमो के तौर पे दिखा देता हूं कि नजर ना लगाइएगा, ठीक है? अगर नजर लगाएंगे तो फिर नहीं दिखाता। खैर, मतलब कोई इशू नहीं है, आप लगा देंगे जिसने लगानी है। वो ये कि आप अगर शेयरिंग अच्छी जगह करते हैं, मेरे पास है, मैं इस वक्त फेसबुक का तकरीबन 50 या 30 के करीब ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें 7 लाख 8 लाख के करीब हैं, तो उनमें एडमिन हूं। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, इतनी आप रखते हैं कि भाई आप को लोग इतना प्यार दे रहे हैं और कोई इस तरह की तरतीब है, तो वेल है, फिर आप इस तरह का काम करें तो आपको फायदा होगा। जी, मैं दुआ पढ़ लेता हूँ बिल्कुल, और अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने पोस्ट की है 4 घंटे पहले और इस पे इस वक्त लाइक्स हैं 208, और फिर मैंने एक पोस्ट की है कुछ देर पहले 7 घंटे पहले, इस पे 631, फिर एक पोस्ट की है मैंने 298, सिर्फ एक वॉच पार्टी थी, 86 लोगों ने इसको शेयर किया है। अब ये देखें, ये था पेज को बढ़ाने का तरीका। मैं आपको बताया है कि मैंने पेज किस तरीके से, मैंने सिर्फ एक स्टार्ट पार्टी की थी और उस पे 86 तकरीबन शेयर्स हुए हैं। और एक है ये पोस्ट मैंने सुबह की थी अपने ही पेज से, इसको इंक्रीज करने के लिए 37 शेयर्स हैं। दूसरी एक पोस्ट मैंने ये की थी कल 11 बजे, और ये देखें 83,000 लोगों ने इसे वो किया है, 83 एंड नो, मतलब लिखा हुआ आ रहा है 83,907, अगर नहीं किसी को पढ़ना था। और 1.2K लोग हैं जो जिन्होंने इसे लाइक किया है, यानी बहुत ज्यादा रीच है। ये सब कुछ इस तब मुमकिन होती है जब आप फ्री वाला खाता इस्तेमाल करते हुए, या तो आपको ये सब कुछ आता है, इतनी सेटिंग्स आती हैं। दूसरा तरीका, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो ये होता है कि आप चाहते हैं कि भाई आप फेसबुक को पैसे पे करके फ्रेंड लिस्ट के बगैर पोस्ट पब्लिक कैसे शो होगी, तो बड़ा आसान है, पोस्ट पे क्लिक करें। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये सबसे ऊपर पब्लिक लिखा हुआ आ रहा है, अगर नजर नहीं आ रहा तो बता दें। और आप ये देख लें, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब आपके फ्रेंड्स हो ना हो, कोई हो ना हो, पोस्ट आपकी पब्लिक जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा एक और पता नहीं क्या पूछा गया था सवाल, माजरत, बुढ़ापे की वजह से सवाल ना ऊपर गुजर जाते हैं तो मुझे नहीं पता चलता। फिर कोई सवाल किया गया था कि सारे नहीं, मुंतखिब शुदा, बिल्कुल आप मुंतखिब शुदा लोग जो है अनफ्रेंड कर सकते हैं FB टूल किट के जरिए से। और लोग, मैं बताने लगा था कि फेसबुक को इस बूस्ट के ऊपर हमारी ना एक अलग मुकम्मल क्लास है पूरी, कि फेसबुक पोज को भाई क्लास कहाँ होती है यार। कोई जल्दी से अगर कोई भाई है तो इनको जाके बता दे कि जूम एप्लीकेशन पे होती है, और ग्रुप में इनको कोई लिंक दे दे ताकि मैं आगे ये बात बढ़ा सकूं, ठीक है? यहां तक के लिए बात समझ आ गई है। मैं बताने लगा था कि पेज को आपके पास अगर इतना इस तरह की फैन फॉलोइंग नहीं है, इस तरह की कोई तरतीब नहीं है, तो कोई मसला नहीं, फिर आपके लिए आसान हल है, वो ये कि आप यहाँ पे आए फेसबुक पे। मैं अपने सारे पेजेस के बजाय आपको मीर उसामा पेज ओपन कर लेता हूँ, ये हमारी एकेडमी का पेज है, आप चेक कर लें। और इस पे आके किसी पोस्ट को पब्लिक करें और किसी को सिर्फ दोस्तों के साथ, तो ऐसा मुमकिन है, 100% मुमकिन है। और एक और मजे की आपको बात बता दूं, आलमगीर भाई की बरकत से बड़ी अहम बात जहन में आ गई, वो ये कि इसमें एक और ऑप्शन भी मुमकिन है, वो ये कि अक्सर आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में कुछ सीसीटीवी कैमरे गलती से ऐड कर लिए होते हैं। सीसीटीवी कैमरों से मुराद है रिश्तेदार। रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरों का मतलब हर खबर उन्होंने पूरे मोहल्ले में पूरे मतलब आपकी कैपेसिटी में पहुंचानी होती है, तो आप चाहते हैं कि उनको अनफ्रेंड भी ना करें और उनको पब्लिक भी आप पोस्ट ना करें और उन तक भी पोस्ट ना जाए, तो ये सब भी मुमकिन है कि आपके सीसीटीवी कैमरों तक आपकी पोस्ट ना जाए। तो बड़ा आसान तरीका होता है कि आप पोस्ट जब करने लगे तो इसके एक सेटिंग होती है, सेटिंग पे आप जहां पब्लिक लिखा हुआ था, और ये एक देख रख लीजिएगा जहन में, वो ये किसकी रिक्वेस्ट आ रही है, अच्छा एक बात ध्यान में रख लीजिएगा आप, वो ये कि जब भी ये सेटिंग एक बार आपको ना जाके लिस्ट बनानी होती है, इसमें गूगल क्रोम में बनाए या फिर लैपटॉप पे, और उसमें आप जाके वहां पे लिख दें, रखें लिख के कि
कि भाई ये दोस्त हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। क्या चीज उसमें टेक्स्ट कैसे चल रहे होते हैं? हाँ, ये लैपटॉप से मुमकिन होता है, और या फिर आप वीडियो को एक बार मुकम्मल चलाने के बाद जब आप एडिट कर लेते हैं, तो एडिट करने के बाद आप उसके बाद उसमें टेक्स्ट खुद से लगाएं, और कुछ बड़े मजे के टूल्स हैं जिनके जरिए से आप लाइव ना होते हुए भी लाइव जा सकते हैं। ठीक है, हम उनकी आईडी की लिस्ट बना के उनको आप हाइड कर दें, जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे करते हैं कि कुछ लोगों को स्टेटस दिखाना है, कुछ को नहीं दिखाना। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे जाके व्हाट्सएप का एक मुकम्मल कोर्स मौजूद है, और वहां से सेटिंग सीसीटीवी कैमरा ऑफ, ये मैंने आपको सीसीटीवी कैमरे बंद करने की बता दी है। अब मुझे ये भी डर है कि कहीं इस सीसीटीवी कैमरों में क्लास में कोई मेरा रिश्तेदार मौजूद ना हो। अच्छा वो कहेंगे सही है भाई, खैर मेरी मोस्टली पोस्ट पब्लिक होती तो इस वजह से कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अच्छा जी पे, मैं यार बात को आप और साइड पे ले जाते हैं, ये बात सुन ले अल्लाह शाफी। व्हाट्सएप ग्रुप 0306-9-10-7-10-4, इस नंबर पे आप जाके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो ये आप अहम चीज सुन लें कि आप ये हर बंदे के पास इतनी फैसिलिटीज या इतने मिसाइल नहीं होते, तो उनके लिए ये एक अहम चीज होगी। अल्लाह अकबर। आप एक काम करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मैं बूस्ट के मुतालिक बताने लगा था। जी ठीक है, फेसबुक पेज के जरिए अर्निंग का तरीका क्या है? फेसबुक पेज के जरिए अर्निंग बिल्कुल मुमकिन है, वो उस वक्त में होती है। यार आपके सवाल काफी सारे आ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ बूस्ट के मुतालिक आप कर लें, फिर उसके बाद इस, हाँ पहले पेज की तस्वीर को मुकम्मल करने दें, फिर आप अपने सवाल ऊपर दो चार बड़े अहम सवाल गुजरे हैं, ये आईडी की सेटिंग और रिपोर्ट से बचने का तरीका, ये सब आप जरूर पूछिएगा, आपको फायदा होगा। अब बूस्ट, पहले ये याद रखें, जब भी आपने कभी पोस्ट को बूस्ट करना हो, तो आपने पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पेज को बूस्ट करते हैं। बूस्ट कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, कोई भी चीज को चेयरअप करना। और अगर आप में से किसी ने मशहूरियां देखी हो, एड्स अगर देखे हो, तो एक बंदा 7 अप की बोतल पीता है और उड़ जाता है, उसमें करंट आ जाता है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ फिरता रहता है। उस तरीके से इस लोगों को अपने करीब लेके आना, इसको बूस्ट करना कहते हैं। ठीक है, बूस्ट करने के लिए आपके पास किसी भी बैंक का अच्छा सा कार्ड होना चाहिए, है एटीएम कार्ड। याद रखिएगा कि अगर एटीएम कार्ड हो, तो एटीएम कार्ड आपका उसमें बैलेंस थोड़ा हो, ज्यादा ना हो बैलेंस, नुकसान होगा आपको। ठीक है, और कम बैलेंस रख के आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, ताकि उससे आपको फायदा हो सके, और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बूस्ट का। बूस्ट के लिए आप कोई भी पोस्ट करते हैं, कोशिश करें जब भी कभी बूस्ट करनी हो वीडियो या कोई भी चीज, तो वीडियो की सूरत में बूस्ट करें। उसका फायदा ये होता है कि कोई पोस्ट देखता है या इस तरह कोई गुजरता है, तो वो कम लोगों तक जाती है, लेकिन कोई चीज वीडियो की सूरत में होगी, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में लोगों के पास जाएगी। देखिए, मैंने एक वीडियो लगाई है, वो 83,000 लोगों के पास बिना बूस्ट के गई है। अगर वो बूस्ट की होती, तो 100% व्यूज आपके आएंगे ही आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने हिसाब से फायदा होगा। आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ अहम चीजें मांगता है, वो ये कि ये कुछ सेटिंग बेसिक्स ही होती है, ये आपको खुद से करनी होती है कि आप इस पे अगर चाहते हैं कि बूस्ट पोस्ट पे, तो आप अपनी सेटिंग इसको अपने मुताबिक बनाएं कि आपको कोई मैसेज का बटन यहाँ पे शो हो, या वेलकम मैसेज जाए, या ऑडियंस किस तरीके से हो, या ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को शो हो या मेल्स को भी शो हो, क्या ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो या सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल हो। और सबसे अहम चीज इसमें होती है कि कितनी उम्र तक के बंदों को ये जाए। ये देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 18 से 65 सबको ही इसमें शामिल कर देते हैं, ऐसा कभी भी ना किया करें। एडिट करें, और यहां से आके ऑडियंस 18 तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां
फेसबुक पे तकरीबन 10 साल से 18 साल की ही हैं, हर साल वो घूम फिर के सिर्फ 18 पे आ जाती हैं। तो लिहाजा आप 18 को तो रखें लेकिन 65 पे ना जाएं, 65 से कम आ जाएं। 65 का तो कोई होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैक्सिमम 45 50। अब जब भी कभी ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो इस जगह, मैं अपना सवाल समझ नहीं पाया, पहले ये बात कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आलमगीर भाई ये भी बात समझने की कोशिश करते हैं। ऑडियंस समझ गए हैं पहले आप ये बात या नहीं कि भाई आप पेज को बूस्ट करने के लिए पहले नंबर पे तो 18 से 40 या 18 से 50 तक के दरमियान के लोग रखें, इससे ज्यादा के लोग ना रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप एक बड़ा अहम चीज होती है ये, इसके ऊपर ना एक मुकम्मल क्लास हमारी अलग से मौजूद है, तकरीबन सिर्फ बूस्ट करने के ऊपर 1.5 घंटे की क्लास हुई थी सिर्फ बूस्ट करने के ऊपर। और अगर आप ये कहें कि मैं ये सब 2 से 3 मिनट में एक ही सवाल के जवाब में बता दूं, मुमकिन नहीं होगा। और बरकत के लिए वो टाइम लिमिट भी आ गई है कि 10 मिनट रह गए हैं फिर से क्लास एंड होने में। मैं चाह रहा हूं कम से कम वीडियोस बने ताकि जो है, खैर आप इसमें ये चीज जो मेरे सामने आपको शो हो रही है, ये कहते हैं कि आप जो पोस्ट बूस्ट करना चाह रहे हैं वो लोगों का इंटरेस्ट किस किस्म का हो, यानी वो लोग कहाँ के हों या उनका इंटरेस्ट किस किस्म का हो या वो किस तरह की पोस्टें लाइक करते हो। फेसबुक आपको बहुत जबरदस्त ऑप्शन देता है, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो तो आप इस पे क्लिक कर दें कि वो पढ़े लिखे लोग हों, आप वो लर्निंग पे कभी कभी कुछ सीख रहे हो तो भी ठीक है, स्टूडेंट्स हों तो भी ठीक है, आप इस पे क्लिक कर देते हैं कि जी वो हायर एजुकेशन के हों या कोई भी काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें आप ऐड करेंगे तो इसका फायदा ये होगा के भाई ये अब इन इन इंटरेस्ट वालों को, जो कोई भी बंदा पढ़ाई से मुतल्लिक सर्च करेगा उसको आपकी ये फौरन से पोस्ट उस तक पहुंच जाएगी, कोई स्टूडेंट होगा उस तक आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी, कोई लर्निंग कर रहा होगा उस तक आपकी पोस्ट। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग, आपका नाम क्या है नाम बताएं, अच्छा इसको आप ऑडियंस को सेव कर दें, सेव करने के बाद अब आपकी मर्जी है। ये देखें यहाँ पे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप इसमें से आधे से ज्यादा जो लड़के बने हुए हैं लड़कियां उन तक पोस्टें पहुंचाना चाहते हैं, मतलब के वुमेन्स मोस्टली, तकरीबन भाइयों की दो दो आइडियां हैं लड़कियों के नाम से, बाबा की प्रिंसेस और फलां फलां की प्रिंसेस, अच्छा। और या फिर आप ओरिजिनल वाले जो बंदे हैं उन तक ही सिर्फ पोस्ट पहुंचाना चाहते हैं या फिर मिक्स दोनों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी होती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यहां तक की बात समझ आ गई है कि भाई आपकी मर्जी है, ऑल पे क्लिक करें और इसको सेव कर दें, सेव करने चलें। सबसे मजे की बात यह है कि आप इसके अंदर तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, पहले मैं पैसे सिलेक्ट करना बता देता हूं बस, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। एक सेकंड, जरा बाहर कोई आया है।